मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक तरफ जहां चुनाव का मौसम है तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारों की बहार भी है। ऐसे में लोगों में दुगनी खुशियां हो गई हैं और इस खुशी को बरकरार रखने के लिए मुंब्रा पुलिस सतर्क हो गई है। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है, इसके बाद रामनवमी, हनुमान जयंती और शबे बारात भी है। ऐसे में मुंब्रा पुलिस ने पीस कमेटी की मीटिंग ली और त्योहारों के बारे में जानकारी भी ली। बिजली, ट्रैफिक जैसे मुद्दों पर चर्चा भी हुई। खासकर सोशल मीडिया पर त्योहार के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, इस पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड ने क्या कहा। आज मुंब्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की थी। 14 अप्रैल 2019 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब की जयंती है, बाद में रामनवमी, फिर बाद में हनुमान जयंती, उसके बाद में बड़ी रात है, उसके बाद में इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद आगे रमजान शुरू हो रहा है। मुझे लोगों से ये अपील है, ये सब त्यौहार आप मिलजुल कर उसको मनाएं, और हर आदमी ने इतना ध्यान में रखना चाहिए कि मुझे जिस बात की तकलीफ होती है, मुझे जिस बात को मेरे मन को धक्का लगता है, वो खुद दूसरे को अपने पास से नहीं लगना चाहिए। इसकी इसका ख्याल रखे तो ये दुनिया सब अमन और चैन से जिएगी। दूसरी बात मुझे एक कहना है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने स्वतंत्र, बंधुता, समता, इसका जो संदेश दिया था, जो हर धर्म में दिया हुआ है, ये संदेश उन्होंने घटना में भी दिया है, ये इसका पालन हर एक जन करे। सर, एक बात और बताइए, सोशल मीडिया को लेकर काफी माहौल गर्म होता है, तो इसको लेकर क्या क्या आपके संदेश रहेंगे? मेरा संदेश है कि सोशल मीडिया में, मीडिया के बारे में, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 18 साल तक लाइसेंस नहीं दिया जाता, जब लड़का पैदा होता है तो उसको 21 साल तक उसकी शादी नहीं की जाती, बच्ची की 18 साल तक शादी नहीं की जाती, उसको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता, उसका वोटिंग का अधिकार जो है वो 18 साल के ऊपर का दिया जाता है। तो फिर ये सोशल मीडिया जब उसको पता ही नहीं है कैसे यूज़ करना, क्या करना, तो ये 18 साल तक उसको देते क्यों है? पहले से लेकर 12वीं तक उसका काम है कि अपने विद्या लेना, कक्षा, लर्निंग करना। लर्निंग के साधनों की उपलब्धियाँ बहुत हो गई, लेकिन एक्चुअली लर्निंग यानी शिक्षा हो रही क्या नहीं, ये देखना चाहिए। तो सोशल मीडिया का हर घर में दुरुपयोग हो रहा है, 70% to 80% बच्चे उसका क्या इस्तेमाल करते हैं ये माँ बाप को नहीं पता चलता, ना बाजू वाले को पता चलता है, फिर उसके ऊपर से कोई क्राइम होता है तो फिर हमारे पास, पुलिस के पास आती है। तो बच्चों को आप ये जानकारी दे दो कि सोशल मीडिया का कैसा यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए कुछ आपत्तिजनक मैसेज अगर त्योहारों के टाइम पे वायरल होते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ लोगों पर कड़ी कार्रवाई? बिल्कुल कार्रवाई करेगी। आईटी एक्ट जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2015 में उसमें सुधारना हुई है, तो उसके तहत बिल्कुल सेक्शन 66, 67, 68 के तहत कार्रवाई की जाए। उसमें मिनिमम शिक्षा 3 साल की और 1,00,000 रुपए दंड उसके मिनिमम शिक्षा है, ज्यादा से ज्यादा उसमें 10 साल की भी शिक्षा है। कई त्यौहार लगातार आ रहे हैं तो इसमें पुलिस का बंदोबस्त कैसा रहेगा, और खास तौर पर जो बड़ी रात है उसमें खबरें अक्सर आती हैं कि कुछ बाइकर्स जो है सड़कों पर स्टंट करते हैं, तो कुछ बड़ी रात के दौरान जो है पुलिस का बंदोबस्त शहर में कैसा रहेगा? बिल्कुल, पुलिस बड़ी रात को पूरा बंदोबस्त देगी, उसमें हम स्वयंसेवक भी रखेंगे, कुछ हमारे सिविल ड्रेस में भी पुलिस रखेगी, ट्रैफिक पुलिस को भी हम साथ में लेंगे उस दिन रात को, हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी आएंगे। बड़ी रात का त्यौहार बिल्कुल आराम से हो जाएगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। सर, ड्रग्स को लेकर क्या तैयारी है आपकी, जब से आपने आए तब से कितने लोगों पर अब तक कार्रवाई कर चुके हैं और आगे क्या रहनी आपके? ड्रग्स लेना ये कोई धर्म में दिया नहीं है, फल खाना, अनाज खाना, ये सब बताया गया है। कोई भी चीज़ का ड्रग्स लेना, वो नारकोटिक ड्रग्स होए, गुटखा हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, इसको हर चीज़ को पाबंदी है, ये सबको मालूम है, उससे क्या होता है बॉडीज़ को, वो सबको मालूम है।
फिर भी लोग ड्रग्स लेना अवॉइड नहीं करते। मुझे उनको यही कहना है, बच्चों को भी यही कहना है कि आप इससे दूर रहिए, अपने बॉडी को जो नुकसानकारक चीज़ है वो बॉडी में लेना ये अच्छी नहीं है। जो ड्रग्स लेते हैं उनको मेरा कहना है कि आपके बच्चे ने ड्रग्स लिया तो आपको चलेगा क्या? नहीं चलता है तो आप भी किसी के माँ, किसी माँ बाप के आप भी बच्चे हैं, तो ये आपने ख्याल रखना चाहिए कि आप, आपके माँ बाप को कितना दर्द होता होगा, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। पुलिस निरीक्षक मधुकर कड ने आने वाले त्योहारों पर लोगों से शांति से त्यौहार मनाने की अपील की है। चुनाव और त्यौहार में कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। शबे बारात में कुछ अक्सर बाइकर सड़कों पर स्टंट करते हैं, जो भी इस तरह की हरकत करते हुए नजर आएगा पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। यानी पुलिस का साफ कहना है कि चुनाव और त्योहारों के दौरान अगर कोई भी शख्स शहर में माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मधुकर कड ने नशे को लेकर भी आह्वान किया है, हर माता पिता अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें नशे में लिप्त होने से रोकें। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।